नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टैली ERP9 का ये हमारा लेक्चर चल रहा है और आज आप लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम देखेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में, यानी किसी भी कंपनी में अगर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है, ओवरव्यू ऑफ टैली से बेसिक से चल रहा है और आज हम देखेंगे ऐड डिस्काउंट कॉलम। टैली के अंदर डिस्काउंट का एक ऑप्शन होता है जो कि कैश डिस्काउंट देने के लिए होता है, इसको कैसे करेंगे ये हमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं टैली के अंदर और अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आप देखेंगे cashdiscount.com के नाम से हमने कंपनी बना रखी है और इसमें वर्किंग करने से पहले एक बार हम लोग जरा अपना असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 23, कैश डिस्काउंट। इसमें कैपिटल आपका 50 लाख रुपए है, बैंक डिपॉजिट 30 लाख रुपए है, बैंक विड्रॉल 10 लाख रुपए है, परचेज है वाटर क्लोथ राइस, ये क्वांटिटी और रेट दिए गए हैं इसके, और सेल्स है वाटर क्लोथ राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और इसका रेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जब हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमें डिस्काउंट कितना देना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्काउंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्काउंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट लगा रहता है बाय वन गेट वन फ्री, मतलब एक खरीदिए और एक के साथ एक फ्री ले जाइए। मतलब कि अगर एक शर्ट आपकी 1000 रुपीज़ की है तो 1000 रुपीज़ की ही मिलेगी, बट एक के साथ दो मिलेगा, एक खरीदेंगे एक आपको फ्री मिलेगा। दूसरा आपका फ्रेंड्स डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, जिसमें आप देखते हैं कि फ्लैट 20% या फ्लैट 50% आपका ऑफ लिखा रहता है, ये आपका फ्रेंड्स होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का जो टॉपिक था हमारा उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमें देखना है कैश डिस्काउंट, कि हमें कैश डिस्काउंट कैसे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैश डिस्काउंट देने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा सेल्स है, हम परचेज में कैश डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं, सेल्स में कैश डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। तो हम कैश डिस्काउंट देने की बात करेंगे, यानी अलाउ डिस्काउंट अलाउड की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश यहाँ पे सेल्स में जो भी हमें डिस्काउंट अलाउ करना है, ये 20% का सभी आइटम पे फ्लैट डिस्काउंट अलाउ करना है, ये हम सेल्स के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं और इसमें देख लेते हैं कि हमें डिस्काउंट हम कैसे कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम लोग लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, असाइनमेंट आप लोगों ने देख लिया है, ये असाइनमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग लेजर रहेंगे। तो मैं लेजर फटाफट प्रिपेयर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पे, ये हमने लेजर बना लिया, कैपिटल, ICICI बैंक, परचेज, सेल्स, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। ये लेजर्स बनाने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे स्टॉक बना लेंगे। यहाँ पे गए, यहाँ से सबसे पहले यूनिट प्रिपेयर कर लेंगे, यूनिट कौन कौन सा है मेरे पास, LTR लीटर में है, MTR मीटर में है और KG किलोग्राम में है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास फ्रेंड्स तीन आइटम है, एक है वाटर, आपका वाटर लीटर में होगा, एक है क्लोथ, क्लोथ आपका मीटर में होगा फ्रेंड, और नेक्स्ट है आपका राइस, राइस जो कि आपका केजी में होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने स्टॉक आइटम बना ली, एक बार व्यू कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये देखते हैं, क्लोथ हो गया मीटर में, राइस हो गया आपका केजी में और वाटर हो गया लीटर में। तो ये सारा सारे के सारे स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिए।
फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बैक करेंगे, अब सिंपल अकाउंटिंग वाउचर में जाके वाउचर एंट्री कर लेंगे, जैसे कि वाउचर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गए, कैपिटल की एंट्री कर लेंगे, F6 रिसिप्ट में कैपिटल आपका 50 लाख रुपए है फ्रेंड। बाय कैश, इसके बाद फ्रेंड आपका बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल की एंट्री हो जाएगी। तो डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट है फ्रेंड्स आपका 30 लाख रुपए, विड्रॉल है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं 30 लाख रुपीज। ये आपका फ्रेंड्स डिपॉजिट हो गया और इसके बाद विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करते समय 2 के साथ बैंक रहेगा 10 लाख रुपीज। इसको कंट्रोल करके सेव कर देंगे ये डिटेल, और यहाँ पे कैश आपका ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम परचेज करेंगे, परचेज करने के लिए F9 शॉर्टकट की है, प्रेस करेंगे, यहाँ से गए और पार्टी में कैश ले लेंगे, कैश से परचेज कर रहे हैं हम, यहाँ पे परचेज रहेगा फ्रेंड इस जगह पे। और वाटर आपका 1000 लीटर है क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे इस कंप्यूटर में हमने गोडाउन का ऑप्शन एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आता है यहाँ पे। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं फिर, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ से F11 प्रेस किया और इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे और यहाँ से मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को नो कर देते हैं। अब फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सामने आ रही थी। यहाँ पे गए, कैश ले लिया, इसके बाद ये डिटेल्स फिलअप कर देंगे फ्रेंड्स, परचेज। अब यहाँ पर हमने ले लिया वाटर, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ क्वांटिटी पे आ गया, 1000 लीटर होगा और 10 रुपीज पर लीटर होगा फ्रेंड्स। ये हो गया क्लॉथ आपका 500 मीटर होगा, 200 रुपीज पर मीटर होगा। और राइस फ्रेंड्स आपका 1000 केजी होगा, 40 रुपीज पर केजी होगा। ये हमने परचेज कर ली, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई। परचेज करने के बाद हमें क्या करना है, वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। आप ये पहले भी कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ऐड डिस्काउंट कॉलम का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे फ्रेंड, इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे और इसमें आप देखेंगे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद एंटर करके सेव कर देंगे, वापस आएंगे फ्रेंड, वाउचर एंट्री पे गए और F8 प्रेस करेंगे सेल्स करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट लगा सकते हैं, कितना लगाना है, 20% डिस्काउंट लगाना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कैश से सेल कर देते हैं, ये डिटेल्स स्किप कर जाएंगे। वाटर 800 लीटर, अब चूंकि फ्रेंड्स हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो रेट थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि हमारा डिस्काउंट के बाद घाटा ना हो। तो यहाँ पे हमने 20 रुपीज कर दी, इसके बाद डिस्काउंट कॉलम में हम 20 लिख देंगे, तो ये ओवरऑल 20% डिस्काउंट करके माइनस कर देगा अमाउंट में। यहाँ पे आपका 16,000 रुपये दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, एंटर करेंगे ये देखिए 12,800 हो गया, 20% डिस्काउंट लग गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जैसे क्लोथ में डिस्काउंट नहीं देना है, 500 रुपीज के रेट से यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, तो डिस्काउंट नहीं लगेगा। राइस में हमें डिस्काउंट देना है 900 केजी 50 रुपीज के रेट से, तो यहाँ पे 60 कर देते हैं और डिस्काउंट हम कर देते हैं इस पे 15%। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा, ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। तो फ्रेंड्स
इस तरह से आप लोग डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका अगर इनवॉइस आपको बनाना है यानी बिल प्रिंट करना है तो आप डेबुक में जाएंगे। डेबुक के लिए शॉर्टकट की डबल डी होता है, डी एंड डी। ये डेबुक आपका ओपन हो गया, सेल्स पे गए, एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका इनवॉइस प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं बकायदा। इसी तरह से डिस्काउंट वगैरह के साथ पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफ़ी छोटा है और इजी भी है अच्छा लगा होगा। इसके बाद आगे हम लोग फिर जो लेक्चर्स हमारे बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि आपका फिजिकल स्टॉक एंट्री, पेरोल और जीएसटी कवर करेंगे। इसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को देखिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कमेंट करिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।